लेटेस्ट टेक न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों Redmi 7 ऑफिशियली लॉन्च होने वाला 4 जुलाई को इंडिया में, और उससे पहले दोस्तों इसके सारे स्पेसिफिकेशन फीचर्स रिवील हो चुके हैं Xiaomi के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसे पर Redmi 7 के ऑफिशियल फुल स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों हम बात कर रहे थे Redmi 7 जो की लॉन्च होने वाला है 4 जुलाई को इंडिया में, और दोस्तों इसके रिगार्डिंग फुल स्पेसिफिकेशन फीचर्स Xiaomi के ऑफिशियल वेबसाइट पर लैंड हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसे पर फुल स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों Redmi 7 लॉन्च हो चुका है चाइना में और 4 जुलाई को लॉन्च होने वाला इंडिया में, और दोस्तों इसकी जो प्राइस है चाइना की प्राइस है 5,500 के आसपास उसके ऊपर प्राइस है, लेकिन इंडिया में आपको अग्रेसिव प्राइस देखने को मिल सकती है। साथ में दोस्तों Redmi इंडिया के जो ऑफिशियल हेड मतलब की CEO मनु कुमार जैन जी ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था, आप देख सकते हैं Redmi 7 का आपको बिग अपग्रेड देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके ऊपर जो पेज है लैंडिंग हो चुका है, जिसमें हम देख सकते हैं प्रोसेसर डिस्प्ले एंड कैमरा बैटरी कैसा मिलने वाला है सब कुछ यहाँ पर रिवील हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर Mi.com की वेबसाइट पर, और स्मार्ट डेस्क का स्मार्टफोन इसका जो पेज है लैंडिंग हो चुका है। 4 जुलाई का जो फोन है लॉन्च होने वाला इंडिया में दोपहर 12 बजे, लेकिन दोस्तों इसके रिगार्डिंग नीचे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशन रिवील हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको डिस्प्ले देखना है तो आप देख सकते हैं इसमें आपको कोई भी नॉच डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाला है, वही आपको देख सकते हैं HD+ डिस्प्ले मिलने वाला विदाउट नॉच। तो डिस्प्ले आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, तो किसी भी प्रकार से आपको नॉच डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों इसका जो डिस्प्ले का साइज रहने वाला है 5.45 इंच के ऊपर HD+ डिस्प्ले मिलने वाला विद 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आपको इसका डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और साथ में दोस्तों दूसरा चीज यहाँ पर रिवील हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं उसका जो प्रोसेसर है ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, एंड स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर वही आपको सेम देखने को मिलने वाला जो कि यहाँ पर चाइना में लॉन्च हो चुका था। एंड Redmi 5 एंड Redmi 6 में आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं इस Redmi 7 में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलने वाला है, जैसे कि देख सकते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर मिलने वाला है। उसके बाद हम नीचे देख सकते हैं उसका जो कैमरा रहने वाला आपको वही सिंगल कैमरा मिलने वाला है, AI कैमरा जो कि वर्टिकल शेप में आपको सिंगल कैमरा मिलने वाला है 12 मेगापिक्सल का। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इस कैमरा में आपको काफी सारे फीचर्स मिलने वाले, जैसे कि एक फीचर देख सकते हैं फेसबुक रेडी कैमरा, ऐसे भी कुछ नए फीचर्स आपको मिलने वाले इस Redmi 7 में। साथ में दोस्तों फ्रंट सेल्फी कैमरा देख सकते हैं आपको वही 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला विद फेस अनलॉक फीचर्स के साथ। उसके बाद दोस्तों बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस बार देख सकते हैं Redmi 7 आपको बैटरी बैकअप भी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। साथ में इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 10 एंड्रॉइड पाई अपडेट मिलने वाला है, तो फीचर आपको MIUI 11 का भी अपडेट देखने को मिलने वाला है। सिम स्लॉट की बात की जाए तो इसमें आपको ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है, जिसमें आप 2 नैनो सिम कार्ड 1 माइक्रो SD कार्ड एक साथ लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते आपको P2A का कोटिंग भी मिलने वाला है, मतलब कि वाटर रेजिस्टेंट आपको Redmi 7 में देखने को मिलने वाला है। इसके आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलने वाले, ब्लैक ब्लू एंड रेड कलर में आपको देखने को मिलने वाला है इस Redmi 7 में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो पेज ऑफिशियली लैंड हो चुका है Mi.com वेबसाइट पर। और साथ में दोस्तों Redmi इंडिया ने ट्विटर पे पोस्ट किया कि Redmi 7 में आपको बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है, जैसे कि Redmi Note 7 एंड Mi A2 में आपको सेम चीज देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों स्मार्टफोन में दोस्तों आप देख सकते आपको एक फिंगरप्रिंट उसके बाद टाइप सी पोर्ट सेम चीज देखने को मिल जाती है। तो देखते हैं Redmi 7 में आपको ये चीज मिलती है कि नहीं मिलती, आपको लॉन्च इवेंट में पता चल जाएगा। और दोस्तों बात की जाए इस फोन के ऊपर प्राइस की, तो आपको 5,500 के आसपास उसका जो पहला वेरिएंट की प्राइस देखने को मिल सकता है, तो आपको लॉन्च इवेंट में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बस यही Redmi 7 के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला था। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।